नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख की भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए की, 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख की भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए की, 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिले तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिले तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिले तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिले तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि एक कम 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिले तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिले तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपए की, 75 करोड़ रुपए में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपए की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा थी, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजक करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी की रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है हाउसफुल 4। जी हाँ, हाउसफुल 4, जो कि अक्षय कुमार, बॉबी देओल और कई सारे बेहतरीन कलाकारों की फिल्म है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउसफुल 4 में किस कलाकारों ने काम किया है, किस तरीके से काम को प्रदर्शित किया और किस तरीके से लोगों में यह पसंद आ रही है, इसका स्टार कास्ट कौन कौन से हैं और हाउसफुल 4 फिल्म की जो कमाई है वो कितनी हुई थी, इसकी लागत कितनी हुई थी, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा था, कब रिलीज़ की गई थी, कौन कौन से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इसका टोटल कमाई कितनी हुई थी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हाउसफुल 4 की रिव्यू को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हाउसफुल 1, 2, 3, 4 तक का इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद समजी हैं और यह हाउसफुल फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म होगी। इसमें आपको दिखेंगे लीड रोल में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में यह निभाने वाली हैं। इस फिल्म को 2019 में यानी कि 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ कर दी गई थी। अगर मैं आपको बताऊं इस फिल्म की कुल कमाई की तो काफ़ी काबिल तारीफ इसकी कमाई भी हुई थी। इस फिल्म को हिंदी भाषा में पब्लिश किया गया था और इसमें कुल लागत जो हुई थी 75 करोड़ रुपये की, 75 करोड़ रुपये में यह फिल्म बनी थी और इसकी कुल कमाई जो थी वह 279 करोड़, यानी कि 280 करोड़ रुपये की कमाई इसमें अनुमानित बताई गई है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे और विचित्र कलाकार दिखेंगे और कई सारे नाटकीय रूप से दिखाए गए मनोरंजन करने के लिए आपको कई अच्छे अच्छे किरदारों का देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह लोकेशन भी इसमें शूट की गई है और काफ़ी अच्छे रितेश देशमुख के भी एक शॉप होता है जिसमें कि आपको दिखेगा। इस मूवी को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।